में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, एक्सेल में कौन से फार्मूले का प्रयोग हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करते हैं, इसी को आज की क्लास में समझना। जैसे हेडिंग दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है फॉर्मेटिंग हमको करना है, लेकिन किसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना, यानी कि हमको पूरी वैल्यू को आसानी तरीके से फाइंड आउट करना है या पूरे फार्मूले का प्रयोग करना है, और वो भी किसके माध्यम से, तो कंडीशन के माध्यम से। पूरी फॉर्मेटिंग हो लेकिन किसके माध्यम से, कंडीशन के माध्यम से। तो कंडीशन में जैसे बहुत सारे कंडीशन ऑप्शन का प्रयोग करना हम बताएंगे, जैसे बहुत सारे नंबर हो उसमें से आप ग्रेटर देन वाले नंबर को कैसे चूज करेंगे, या लेस देन वाले नंबर को कैसे चूज करेंगे, या बिटवीन वाले नंबर को कैसे चूज करेंगे, या इक्वल टू वाले नंबर को हम कैसे चूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना, तो कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करना, उसकी फॉर्मेटिंग तैयार करना, आज की क्लास में यही स्टेप बाय स्टेप जानना है और समझना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे एक मार्कशीट में मैंने आपको तैयार करने से मैं बताया था कि मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा था और सब्जेक्टों का नाम लिखा था, और इसके साथ साथ मैंने ओबीडी लिखा था, फिर परसेंटेज मैंने लिखा था। तो मैंने बताया था कि जैसे रैंडम नंबर आपको लाने के लिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इक्वल रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करके हम नंबर ला सकते हैं। मैंने बताया था ना कि जैसे मिनिमम नंबर पहले हो जाएगा और मैक्सिमम नंबर बाद में हो जाएगा, और ब्रेकेट क्लोज करके जब हम एंटर करेंगे तो इसकी बीच की नंबर आ जाएगी। इसी नंबर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरे सब्जेक्टों में नंबर हम आसानी तरीके से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कि ये नंबर हमारा पूरी तरीके से सही नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता, इस वैल्यू को फिक्स भी करना पड़ता है। अगर ये वैल्यू हम फिक्स नहीं करते हैं तो ये डेटा हमारा क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, बदलता जाता है, मतलब ये फिक्स करना अनिवार्य होता है। तो फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो एक रैंडम नंबर हमारे पास मिल गया है, उस नंबर को ये परफेक्ट करना है, मतलब पूरी तरीके से सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, फिक्स करना है। तो पूरे नंबर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद इसी पे माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से इस डेटा को हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद पुनः इसी पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे, और यहाँ वैल्यू को सिलेक्शन करके बस यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो भी हमारे पास नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको कंडीशन देना है, ग्रेटर देन वाला, लेस देन वाला। तो कंडीशन देने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले पहले तो हम पूरे नंबर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद से आपको क्या करना है, चले जाना है होम टैब के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें हाईलाइट से रूल भी दिया है, टॉप बॉटम रूल दिया है, डाटा बार दिया है, कलर स्केल दिया है, आइकन सेट दिया है, ये सारा ऑप्शन का प्रैक्टिकल हम एक एक करके सीखेंगे। इसमें चलते हैं सबसे पहले हाईलाइटेड सेल रूल वाले ऑप्शन पे, और इसमें पहले वाले ऑप्शन पे आएंगे ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, मतलब किससे ग्रेटर देन देखना चाहते हैं, किससे बड़ा हम देखना चाहते हैं। तो सपोज करिए कि इसमें इतना सारा नंबर लिखा हुआ है, हम ये जानना चाहते हैं कि 70 से ऊपर किसका नंबर है, उसी को बस यहाँ पे कलर करके दिखाएं। तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन में 70। देखिए केवल वही नंबर हाईलाइट किया जो 70 से ऊपर, समझ में आ रहा है ना। और जैसे मान के चलिए कि दूसरा हम कंडीशन दे दिए कि अब जो है वह नंबर हमको फाइंड करना है जो 60 से ऊपर या 65 से ऊपर, तो ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ कि जितना नंबर आप देंगे उसके ऊपर ही काउंट करेगा। और अगर हम कलर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप कुछ कलर अलग से दे दीजिए, जैसे यहाँ से मैंने दे दिया, यहाँ से कुछ डिफरेंट कलर मैंने ग्रीन कलर दे दिया, ओके कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे 35 आपने लिखा है, यहाँ पे जैसे ही आप 70 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये नंबर चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे आपने 34 लिखा है, यहाँ पे जैसे ही नंबर आप चेंज करेगा तो आप इसको भी हाईलाइट करके शो करके दिखा देगा भी। अब चलिए पुनः इसको हटाना हो, देखो पहले तो पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, और इसके बाद से इसको हटाएंगे कैसे, पहले देखिए अब इसको हटाएंगे तभी तो दूसरा लगा के बताएंगे। तो सबसे पहले इसको सिलेक्शन करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइए, और यहाँ से एक ऑप्शन दिया है क्लियर रूल का, इसमें पहले वाले ऑप्शन को ना, पहले वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करिए, और जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है पूरा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा।
अब देखिए दोबारा से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम इसमें ये नंबर फाइंड करना चाहते हैं कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 70 से ऊपर है, तो इसके लिए पूरे नंबर को सिलेक्शन करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे और हाईलाइट सेल रूल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, इसमें ग्रेटर देन को सिलेक्शन करेंगे और इसमें नंबर में ले लेंगे क्या 70। जितना भी नंबर आपको देखना हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 70 ही देखेंगे। अब एक चीज और क्लियर करिएगा, आपने 34 से लेकर के 80 तक लिखा है ना नंबर, अब ये नहीं किया करके यहाँ पे लिख दीजिएगा 90 तो बताएगा। तो जितना आपने क्राइटेरिया दिया है बस उतना ही के हिसाब से आप इसका प्रैक्टिकल करिएगा। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि 70 से ऊपर कौन सा नंबर है, तो बस यहाँ पे 70 लिखिए, जो भी इसके ऊपर नंबर होगा यहाँ पे शो करके दिखा दो। लेकिन 70 भी होगा तो भी शो करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया जा रहा है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि 70 से ऊपर। अगर 71 होगा तो दिखा देगा, 70 होगा तो नहीं दिखाएगा। कोई दिक्कत? तो ये मैंने पहला कंडीशन दिया किसके लिए, ग्रेटर देन के लिए। अब सेम कंडीशन लेस देन के लिए भी अप्लाई करना। अभी तो आपने बड़ा से बड़ा वैल्यू छांटा, अब आपको छोटा से छोटा वैल्यू छांटना है, तो पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और हाईलाइट से रूल पे आ जाइए, इसमें दे दीजिए लेस देन। अब हम देखना चाहते हैं कि 50 से नीचे किसका किसका है, देखिए वही हाईलाइट करके दिखाए, लेकिन 50 को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या दिया कंडीशन कि 50 से नीचे हो, तो इसलिए 50 से लेस देन वाला नंबर काउंट करके बताओ। समझ में आ रहा है? अगर हम दे देंगे यहाँ पे 40, तो 40 के नीचे वाला नंबर शो करके दिखे, और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से कोई कलर कर लेंगे, जो भी कलर हमको देना हो। कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें नेक्स्ट ऑप्शन भी दिया हुआ, इसमें दिया है बिटवीन, और बिटवीन का मतलब ये होता है कि जैसे आपसे ये कहा जाए कि चलिए आप काउंट करके बताइए कि 40 से लेकर के और 60 के बीच में किस किस स्टूडेंट का नंबर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बिटवीन फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो बिटवीन पे क्लिक करिए और यहाँ पे दिया हुआ स्टार्टिंग का नंबर मैंने क्या ले लिया 40, और लास्ट का एंडिंग का नंबर मैंने कितना ले लिया, जितना भी लेना हो, जैसे मैंने मान के चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया 60। 40 से कम होगा उसको भी नहीं काउंट करेगा, और 60 से ऊपर होगा उसको भी काउंट नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, काउंट किया है, अगर 60 से ऊपर नंबर होगा तो उसको भी नहीं काउंट करेगा, और 40 से कम होगा तो उसको भी नहीं काउंट करेगा। हो जाएगा? आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहां से मैंने 60 यहां पर लिख दिया और यहां पे आने के बाद मैंने 40 लिख दिया, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड करके बता दो। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके जस्ट बाद आता है यहाँ पे इक्वल टू, और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से 3 बार 4 बार एक ही नंबर लिखा हुआ, तो इसमें कोई ऐसा नंबर देख करके बताइए जो 3 4 बार लिखा हुआ। चलिए इक्वल टू पे चले आइए, और यहाँ पे कितना है 72 है, बस 72 लिख लीजिए, जहां जहां हाईलाइट होगा देख करके बस समझ जाएंगे आप। और कोई नंबर इसके अलावा, देखिए 61 यहाँ पे टाइप करिए। आप सोच रहे होंगे कि जब ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो फिर ये फार्मूला लगाने का क्या मतलब हुआ, जब ऑलरेडी टेबल में आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो फार्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए पीछे बात नहीं मिस्टर, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। जैसे मान के चले कि आपके पास अभी डेटा 7 से 8 या 10 होगा, लेकिन वही डेटा अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में हो जाए तो इस केस में अगर आपको फाइंड करना हो ये सब वैल्यू, तो आपके लिए दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, ताकि आपका डेटा अगर बड़ा से भी बड़ा आपके पास अवेलेबल हो तो आप आसानी तरीके से उसको फाइंड कर सके कि क्या ऑप्शन ये कह रहा। हो जाएगा ना? किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के आपने ले लिया क्या इक्वल टू, और आपने नंबर दे दिया कितना 60 नंबर आपने दे दिया, तो 60 की संख्या कितना है, एक दिखा रहा है, बस यहां से ओके कर दीजिए। अब देखिए यहां पे आकर के 72 को हटा करके 60 कर दीजिए, देखिए इसको भी कलर कर दे, फिर आप यहाँ पे 72 को हटा करके फिर यहाँ पे 60 लिख दीजिए, इसको भी कलर कर दे, क्यों, क्योंकि इसी के कंडीशन का ये भी है। और फिर हटाना है तो पूरे नंबर को सिलेक्शन करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइए, और यहाँ से क्लियर रूल पे क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन को अप्लाई कर दीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 3 ऑप्शन मैंने, 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया।
अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टैक्स दैट कॉन्टेंस। टैक्स दैट कॉन्टेंस मतलब जैसे अगर इतना सारा स्टूडेंटों का हम अटेंडेंस शीट अगर हम तैयार करें तो मान के चले कि जो जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसका ग्रीन कलर हो जाए पी लिखने पे। पी लिखने पे क्या हो जाए? ग्रीन कलर हो जाए। और जो स्टूडेंट अब्सेंट है उसका ए लिखने पे रेड कलर हो जाए। ऐसा कंडीशन हमको अप्लाई करना। नहीं समझे? यानी कि जो स्टूडेंट अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। वो सेल ही हमारा ग्रीन हो जाएगा। अगर जो स्टूडेंट अब्सेंट होगा वो हमारा रेड हो जाएगा। और कोई स्टूडेंट जो छुट्टी पे है, लीव लिया हुआ है, और उसके सेल में अगर हम लीव पोस्ट करते हैं तो वहां पे येल्लो कलर हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमको अप्लाई करना है। और सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता तब आती है जब आप किसी बच्चे का अटेंडेंस शीट वगैरह तैयार करते हैं। किसी बच्चे का अटेंडेंस शीट हुआ, या मान के चले कि किसी इम्प्लाई का अटेंडेंस शीट हुआ, तो इस केस में इसका ज्यादा ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो देखिए करना क्या है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को यहाँ से हटा देते हैं। अब इसमें हम बनाते हैं क्या? अटेंडेंस शीट। अब जैसे मान के चलिए कि 1 से लेकर के और 30 दिनों तक देना है। मान के चलिए कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है, कोई फरवरी आता है 28 का होता है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या देना चाहते हैं? डेटा तैयार करना चाहते हैं जो 1 से लेकर के 30 तक हो। ठीक है? और जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और 30 तक लिख के लेके आना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? मैंने बताया था ना कि सबसे पहले हम यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे क्या? सीरीज। और यहाँ पे दिया है स्टेप वैल्यू और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टॉप वैल्यू में कितना? सीरीज। यानी कि 1 से स्टार्ट करें और पूरा टोटल 30 नंबर तक यहाँ पे होना चाहिए। मैंने ओके कर दिया। तब देखिए सीट आपका बहुत ज्यादा लंबा हो गया कि नहीं हो गया? आप ध्यान से देखिए। तो इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पूरे डेटा को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। और सिलेक्शन करने के लिए यहाँ से कॉलम से सिलेक्शन करेंगे। इस टाइप का एरो बनेगा, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और ऐसे सिंपली यहाँ तक फॉर्मेट मतलब यहाँ तक हम सिलेक्शन कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। और ड्रैग करने के बाद लास्ट में माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करेंगे। देखिए नियरेस्ट हो गया। अब यहां से पूरे बॉर्डर को हम इंसर्ट करा देंगे। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है पिंकी। क्या नाम लिखा है? पिंकी। और जैसे मान के चलिए कि 1 तारीख को ये प्रेजेंट थी, मैंने पी दबाया तो क्या ग्रीन हुआ? और रिया अब्सेंट थी तो यहाँ पे रेड हुआ। और ये लेग पे थे तो इनका एल चढ़ाया तो मैंने येलो कलर का पेज अभी नहीं हुआ, सेल अभी मतलब कलर नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे? कंडीशन देंगे। और जब तक कंडीशन आप अप्लाई करेंगे नहीं तब तक ये कलरफुल आपको नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसके लिए करना क्या, बस यहां से लेकर के और यहां तक पूरे सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा जहां तक आपको अब्सेंटिंग प्रेजेंटिंग लीव चढ़ाना। छूटना नहीं चाहिए, पूरा सिलेक्शन करिएगा ध्यान से। और इसके बाद से आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कहाँ पे आ जाएंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। और यहाँ से हाइलाइटेड सेल रूल पे आ जाइएगा, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आ जाइएगा। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने दे दिया पी। सेलेक्टेड सेल में अगर कुछ मतलब अगर हमने पी लिखा हो तो पी के लिए यहाँ से सबसे पहले कस्टम फॉर्मेट में आ जाइएगा। ठीक है? कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद फॉन्ट में रहिएगा और इसको यहाँ से बोल्ड कर लीजिए। यानी कि इस सेल में अगर कहीं पर भी पी लीटर लिखा जाए तो वो क्या हो जाए? बोल्ड हो जाए। और पी का जो कलर हो वो वाइट हो जाए। क्या हो जाए? पी का कलर मतलब फॉन्ट की कलर की बात हो रही है। और जो सेल का कलर है, सेल का कलर क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए। तो इसके लिए फील पे आ जाइए और यहाँ पे ले लेना है ग्रीन कलर। और यहाँ से ओके कर दें और यहाँ से भी ओके कर दें। अभी मैंने केवल एक कंडीशन अप्लाई किया, किसके लिए? पी के लिए, प्रेजेंटिंग के लिए। फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, फिर यहाँ पे आप ले लीजिए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब इसमें आपको लिखना है ए लेटर। अगर कोई लड़का स्टूडेंट अगर कोई स्टूडेंट अब्सेंट है तो उस केस में
होल्ड कर दिया जाए उस लेटर को, और उसकी फॉन्ट की कलर को व्हाइट कर दिया जाए, और फिल में आकर के उसको हम दे दें, यहाँ से ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। और इसी सेल में अगर कोई स्टूडेंट का लीव पोस्ट हुआ हो, कोई स्टूडेंट अगर लीव पे हो, इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा, सिलेक्शन एक ही बार किया रहिएगा, यानी कि बार बार सिलेक्शन करिएगा, हाईलाइटेड से रूल पे आ जाइएगा, और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आना है, और यहाँ पे लिखना है यल लेटर, और यहाँ पे क्लिक करिएगा, कस्टम फॉर्मेट में आ जाइएगा, और इसमें आपको आ जाना है फॉन्ट पे, और इसको भी यहाँ से कर देना है बोल्ड, और इस फॉन्ट की कलर को, चूंकि येल्लो पे ब्लैक हाईलाइट हो जाए, तो बस यहाँ से फॉन्ट की कलर में ब्लैक ले लीजिए, और सेल का कलर येल्लो येल्लो हो जाए, यहाँ से ओके कर दीजिए, यहाँ से भी ओके कर दीजिए, हो गया ना। और जैसे मान के चलिए कि पिंकी 1 तारीख को अब्सेंट थी, तो ए लेटर दबा दीजिए, 2 तारीख को प्रेजेंट थी तो पी, अगर प्रेजेंट होंगी तो ग्रीन हो जाएगा, अगर अब्सेंट होंगी तो रेड हो जाएगा, अगर लीव पे होंगी तो येलो। किसको किसको समझ में नहीं आया, समझ में आया? अच्छा देखिए इस सेल के अंदर अगर आप जो भी इसमें टाइप करेंगे, मतलब इस लेटर को आप टाइप करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑलरेडी पहले से हो चुका है। देखिए पर ये ध्यान रहे, जितना आपने बॉर्डर लगाया है ना, उतना ही सेल में ये काम करेगा। देखिए ये गलती से मैंने लिख दिया, बताइए किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा ना प्रैक्टिकल। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ, इसमें लिखा है देखिए, ए डेट अकरिंग, ए डेट अकरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि इतने सारे स्टूडेंटों की संख्या हमारे पास अवेलेबल, ठीक है, और मान के चलिए कि इतने सारे स्टूडेंटों का फीस जमा करने का डेट हमको फाइंड करना, मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट का फीस जमा करने का डेट बीता हुआ कल, मतलब कल होगा, आज इन्होंने जमा किया होगा, या फिर किसी स्टूडेंट का आज डेट होगा फीस जमा करने का, या किसी स्टूडेंट का कल डेट होगा जमा करने का, या किसी स्टूडेंट का 1 हफ्ता पहले डेट होगा, या किसी स्टूडेंट का 1 हफ्ता बाद डेट होगा, या किसी स्टूडेंट का अगले महीने डेट होगा, या किसी स्टूडेंट का पिछले महीने डेट होगा, समझ में आ रहा है ना। तो डेट के हिसाब से हमको कंडीशन लगाना कि कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिनका फीस जमा करने का डेट कब कब आ रहा है, बस उसी को आपको फाइंड करना है फार्मूले के माध्यम से, कंडीशन के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम हमको बढ़ाना है, क्या डेट वाला, तो कॉलम बढ़ाना है तो क्या करेंगे इसके लिए, स्टूडेंट नेम और एक के बीच में एक और हमको कॉलम ऐसे बढ़ाना है तो क्या करेंगे इसके लिए, कंट्रोल कंट्रोल प्लस माउस से राइट क्लिक करेंगे एक पे आकर के, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट पे, यहाँ से ले लेंगे इंटायर कॉलम, ओके कर देंगे। 1 मिनट, सबसे पहले यहाँ पे एक पे आ जाएंगे माउस, माउस से राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट पे आ जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से इंटायर कॉलम ओके कर देंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको लग रहा है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया गया है, कहीं इसी वजह से ना हो, वही प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए इसको कट पेस्ट कर देते हैं, कट पेस्ट तो हो जाएगा ना, यहाँ से सबसे अच्छा रहेगा, यहाँ से हम कट पेस्ट कर देते हैं, इसमें पी देखिए हट गया फॉर्मेटिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक और कॉलम एड कर लेंगे, किसका, किसका, बस डेट का, डेट आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सबसे
सबसे पहले यहाँ पे आज का डेट आप लिख लीजिए। आज कौन सा डेट है? 14 है ना, यहाँ पे 14 भर दीजिए, 7/2023। बस यहाँ से इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ तक मान के चलिए कि यहाँ तक मैंने ले गया, ठीक है। और फिर यहाँ से बैक डेट भर दीजिए, कल कौन सा डेट था? 13 जुलाई 2023। फिर यहाँ पे मैंने भर दिया, अब कल कौन सा डेट आएगा? 15 जुलाई 2023। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पे आपको भर देना है 1 महीना पहले। तो यहाँ से मान के चलिए मैंने यहाँ पे भर दिया 10/10/6/2023, ये पिछला महीना हो गया ना। अब जैसे मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ अगले महीने में, तो यहाँ पे मैंने भर दिया 15/8/2023, और यहाँ पे भी मैंने डेट यहाँ पे भर दिया, यहाँ से जो है 15/2023। इस तरीके से मैंने कुछ डेट आपसे मतलब लिख लिया, आप लोग भी ऐसे ही डेट आप लोग मेंशन करिएगा, ठीक है। क्योंकि सीटों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कॉलम की संख्या कम है, इसलिए मैंने डेट बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आप, मैं तरीका बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग लाइव में जाकर आसानी तरीके से इसका प्रैक्टिकल आप लोग कर सकें, ठीक है। अब देखिए करना क्या है सबसे पहले। और मेन प्रायोरिटी देना है किसको? डेट को। किसको? डेट को। तो देखिए पहले तो पूरे डेट को आप सिलेक्शन कर लीजिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहां से आ जाइएगा सबसे पहले हाइलाइटेड से रूल में, इसमें ले लीजिएगा डेट। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ? एस्टरडे लिखा हुआ। तो एस्टरडे मतलब क्या होता? बीता बीता हुआ कल। और टुमारो मतलब? तो देखिए इसमें अगर हम देख रहे हैं एस्टरडे में, तो एस्टरडे में बता रहा है कि कौशल का कल फीस जमा करने का डेट था, लेकिन इन्होंने जमा नहीं किया। इसको फाइंड करके यहाँ पे बता दू, समझ में आ रहा है ना। और फिर इसको सिलेक्शन करिए, और यहाँ से इस फॉर्मेटिंग को फिर यहाँ से इरेज कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, ताकि आप अगला फॉर्मेटिंग आप कर सकें। फिर मान के चलिए कि आज की डेट में देखना है कि आज किस किस स्टूडेंट का फीस जमा करने का डेट है, तो फिर सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइए, और यहाँ से आपको ले लेना है डेट अक्रिंग, और इसमें आज के लिए क्या लिखा जाएगा? टूडे हो जाएगा। देखिए ये बता रहा है कि पिंकी का आज फीस जमा करने का डेट है, समझ में आ रहा है। हाँ फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ले लेंगे टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला, कल में बता रहा है कि एक रिया का डेट है और दूसरा निकेश का डेट। ये डेट पे ही अप्लाई होगा आप, यानी कि नंबर पे जाके अप्लाई करिएगा। और फिर इस पे क्लिक करिए, इसमें एक और भी ऑप्शन दिया होगा, देखिए दिस मंथ, इस महीने में किसका किसका फीस जमा करने का डेट है, तो इतना सारा हाईलाइट करके दिखा दू। और फिर आप इस पे क्लिक करिए, फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ मतलब 8वें महीने में किसका किसका डेट है बता दिए, अनामिका का डेट है। फिर आप इस पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन द लास्ट 7 डेज, 7 दिन के अंदर, तो बता रहा है कि 14 में ये पिंकी का डेट है और कौशल का भी डेट है। तो यहाँ से पूरे डेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस वीक, इस सप्ताह, तो इस सप्ताह बता रहा है कितने लोगों का डेट है जमा करने का। फिर यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, तो अगले सप्ताह का बता रहे इतने लोगों का डेट है। तो मतलब आप आसानी तरीके से यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं जो भी आप डेटा यहाँ पे आपने लिया। लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ में बता रहा है, लास्ट मंथ मतलब बीता हुआ मंथ, तो 6 मंथ में किसका था? प्रकाश का फीस जमा करने का डेट। तो डेट अभी हम नोट करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग को लैब में जाकर के दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यही डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आप लैब में जाकर इसी डेट के हिसाब से प्रैक्टिकल आप कर सकें। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये बस डेट वाले में इसका प्रैक्टिकल करेंगे अभी, यानी कि इसमें नंबर नहीं करके तब डेट वाला अप्लाई करिएगा, तब नहीं अप्लाई हो, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसमें एक ऑप्शन आपको दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डुप्लीकेट वैल्यू। क्या दिया है? डुप्लीकेट वैल्यू। इसका बस वर्क यही होगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को कैप्चर करके अलग करे। कैसे? तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे तो अभी सिंगल सिंगल नाम लिखा हुआ है ना, अब देखिए इसमें कौशल के नाम को हटा करके मैंने ये कहीं नाम 2 से 3 जगह कर दिया,
देखिए इसमें कौन कौन सा ऐसा नाम है जो दो बार लिखा हुआ है, बस उसी को हाईलाइट करके हमको देखना है। तो चूंकि हमारे पास डेटा मात्रा अभी 9 है, तो 9 पे हम अप्लाई करके बता रहे हैं। आप लोग लैब में जाकर इसका डेटा ज्यादा मात्रा में बनाइएगा, ठीक है। और देखिए हर एक सीट पे अलग अलग फॉर्मेटिंग करके आप देखिएगा। जैसे मान के चलिए कि एक सीट पे आप केवल बना लीजिएगा इक्वल टू वाला वैल्यू, और एक सीट पे बिटवीन वाला वैल्यू, और एक सीट पे ग्रेटर देन वाला वैल्यू, और एक सीट पे लेस देन वाला वैल्यू। कई सारा सीट पे बनाएंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना, हम तो एक ही सीट पे बता दे रहे हैं। आप लोग के पास लैब में जाएंगे तो टाइम रहेगा ना, तो अलग अलग सीट पे बना के ट्राई करिएगा। अब देखिए इसमें से हमको ये वैल्यू फाइंड करना है कि कौन कौन सा ऐसा नाम है जो दो बार लिखा हुआ है, एक ही नाम को दो बार लिखा हुआ है, बस उसी को हाईलाइट करके देखना। तो पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर ले लीजिए क्या डुप्लीकेट वैल्यू। देखिए जो नाम दो बार लिखा गया है उसको हाईलाइट करके दिखा दिए, जो अलग अलग लिखा है, जैसे ये एक ही बार लिखा हुआ, ये एक ही बार लिखा हुआ है, ये भी एक ही बार लिखा हुआ है, तो इसको हाईलाइट नहीं किया। अब ऐसे भी तो क्वेश्चन बनता है कि सर जो नाम अगर एक ही नाम दो बार लिखा हुआ हो तो उसमें से हम एक नाम कैसे डिलीट करेंगे। नॉर्मल कीबोर्ड से नहीं डिलीट करना है, ऑप्शन से डिलीट करना है। तो देखिए करना क्या है, इस पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, और चले आइएगा डाटा टैब में। कहाँ पे आना है, डाटा टैब में, और यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिमूव डुप्लीकेट, दिख रहा है, बस इसी पे क्लिक करना, और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से यहाँ पे जो है एक्सपेंड वाला ऑप्शन लीजिएगा। सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा, रिमूव डुप्लीकेट पे आइएगा, और यहाँ से लिखा हुआ है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, मतलब उतना ही में सिलेक्शन हो जितना मैंने डेटा को सिलेक्शन किया, बस उतना ही में चेंजिंग हो। इसके लिए नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ से बस ओके करिए। कोई नाम जो दो बार लिखा हो, सब नाम एक ही बार लिखा है ना, तो आसानी तरीके से इस वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ होगी, और ये प्रयोग सबसे ज्यादा तब किया जाएगा जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। मान के चलिए कि कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसका नाम दो बार फीडिंग कर दिया गया होगा, उसको हटाना होगा अलग करके, तो आप आसानी तरीके से उस वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, हो जाएगा। तो इतना पूरा ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करिए, अभी बहुत सारे इसमें हैं। टॉप बॉटम रूल भी है, देखिए डाटा बार भी है, कलर स्केल भी है, आइकन स्केल भी है, ये सब हम बताएंगे। पहले केवल इसको आज कर लीजिए प्रैक्टिकल, ठीक है। देखेंगे तो कल पूरा फाइनल कर देंगे, संभवतः पूरा खत्म हो जाएगा। आज वाला बस केवल मतलब थोड़ा सा लॉन्ग था, कल वाला बहुत इजी रहेगा। तो इतना हो जाएगा ना प्रैक्टिकल। देखिए कितना लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीट पे आपको डेटा तैयार करना होगा। अलग अलग बनाइएगा तब और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपने हाँ।